बेटा आज हम क्लास का मॉनिटर बनाएंगे, ठीक है? अरे सर जी, कौन सा मॉनिटर? सबके बाप चुम्मी बाप बैठे हैं यहाँ पे। अरे किसकी गाय में इतना दम है जो हमारे बराबर का मॉनिटर बन के दिखा देगा? है हमारे गाय में है दम? बताओ, हम बनेंगे मॉनिटर। अरे तुम हमारे गुइया बनोगे, मॉनिटर बनोगे। मॉनिटर की स्पेलिंग भी आती है, मॉनिटर बनेंगे। अरे साले तेरे को देख के तो ऐसा लगता है साले किसी ने चूस के फेंक दिया हो। साले तू क्या मॉनिटर बनेगा? साले चूतिया, तेरा नाम क्या जैसे लग रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन है। साले तेरा नाम भी तो हग्गू प्रसाद है, कैसे लगता है हग दिए हो। तुम्हारा नाम सुनकर हमें टट्टी निकल जाती है। बेटा तुम टट्टी निकालो, हम मॉनिटर बन जाते हैं। टट्टी निकल जाती है, पता है कितना अनमोल नाम है वो। ऐसे बोल रहे जैसे लगा हीरा जवाहरात है नाम में। हग्गू भी कोई नाम होता है? ऐसा लगता है किसी ने हग के छोड़ दिया हो तुम्हें। हाँ हग के छोड़ दिया हो, तुम्हारी खोपड़िया पे तो छोड़ दिया था हग के, हमने छोड़ा था आके छोड़ दिया है। हग्गू प्रसाद कितना इंटरनेशनल नाम है, तुम्हें क्या पता? अरे चूतिया आदमी कम बोल लो, कम। दो कान के नीचे बजाएंगे ना तो हग दोगे पॉइंट में। साले हम ऐसा मारेंगे ना गाल फाड़ के टट्टी करने लगेगा तू, मॉनिटर बनेगा। मॉनिटर तो तेरा बाप बनेगा। अरे भैया जी, अगर उनके पापा मॉनिटर बनने वाले हैं अरे साले चूतिया है का? साले दिमाग की जगह गांड में दिया है क्या दिमाग भगवान ने? उनके बाप बनेंगे, उनके बाप में इतनी गांड में गुदा है जो मॉनिटर बन जाएंगे। घर पर बर्तन चुकला धोए मॉनिटर बनेंगे। बेटा मॉनिटर बनने के लिए ना गांड में गुदा चाहिए होता है। गुदा पहले भैया जी, गुदा उदा सब साइड में रखो। भैया जी पहले आप ना हमारे पापा से डिस्कशन कर लो। हमारे पापा भी कहते हैं हमारा दिमाग घुटने में है, और आप कह रहे हो यार हमारा दिमाग घर में है, तो मतलब हम कहाँ समझे, कहाँ है दिमाग? अरे मनोज पहले इसका मर्डर कर, साले ने बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है हमारा। अरे भैया चाकू तो है नहीं, पेन चलेगा पेन, पेन बड़ी सावले लाए हैं बिल्कुल, बताओ तो पेन से ठोक देते हैं इनको। तेरी गाड़ चलेगी साले, पेन चलेगा। अरे नहीं भैया जी, हमें उसकी गाड़ से ना मरना है यार, बड़ा खतरनाक पाता है यार, बिल्कुल बिसाइला, एकदम ऐसा कतिलाना जहर पाता है ना कि क्या बताएं यार, पूरी अंदर से लेके आंतों तक हमारी जहर भर जाएगा यार। भैया हम जहर से ना मरना चाहते हैं तड़प तड़प के यार, भैया इससे बढ़िया तो पेन ही सही है भैया, पेन से मर जाएंगे हम। अरे साले सुअर के बच्चे। अरे भैया जी आपकी और हमारी सोच बिल्कुल सेम है, सेम, हमें भी लगता है हमारे पापा सुअर आए। हाँ इसलिए लगता है ना क्योंकि तुम सुअर हो। अरे तभी कहूँ हमारे पापा काहे हमें इतनी चुम्मी पप्पी देते रहते हैं, जब ना देखो यार। अरे साले कहाँ से आया है तू, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया यार हमारा। भैया मम्मी पापा की देन है और भगवान का कर्मा है जो हम आ गए हैं। अब आ गए हैं तो धरती पे कुछ ना कुछ काम करके ही जाएंगे भैया। हाँ क्यों नहीं, तुम कर ही रहे हो, सबकी गाल में उंगली कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां कर रहे हो तुम। उंगली से अच्छा डंडा घुसेड़ दो हमारी गाल में, तेरे को दिमाग खराब कर रखा है यार तुमने। अरे भैया हम इतना बड़ा काम कर लेते हैं, मगर घमंड कभी नहीं किया, घमंड। अरे भैया घमंड ना करते हैं, हमें आज तक कभी घमंड फील नहीं हुआ कि हम इतना बड़ा काम कर लेते हैं यार, सबकी गाड़ में डंडा उंगली सब घुसेड़ देते हैं। अगर कभी मौका मिलेगा तो अपने आप को भी घुसेड़ के देखेंगे। तुम
तुम्हारे अंदर हम घुस जाते हैं बिल्कुल। बकैती कर रखी है तुमने यहाँ पे सबकी, जैसे लग रहा हो सब तुम्हारे यहाँ पे फूफा नाना बैठे हैं। दिमाग खराब कर रखा है यार। मॉनिटर की मीटिंग चल रही थी, तुम्हारी गांड में मीटिंग घुसने गई हमारी। बेटा मेरे कोकोनट की औलाद, चुप करके आप बैठ जा, अगर बीच में आप बोला बेटा तुम्हारी गांड फाड़ के रख देंगे कई देर। अरे भैया यार ये गलत बात है यार, अभी तो कह रहे थे हम सुअर की औलाद है, फिर कहने लगे हम कोकोनट की औलाद है यार, ये गलत बात है यार भैया। पहले क्या है यार भैया यार, हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा ना, बार बार आप चेंज कर रहे हो यार नाम, हमारा मजा नहीं आ रहा है यार भैया। एक पर रहो यार, हम तो सुअर की औलाद समझे या कोकोनट की औलाद समझे, अपने आप को बता दो भैया, क्लियर कर लो हमें। अरे भैया तुम्हारी लड़ाई हो गई हो तो हमें भी लड़ने का मौका दिया जाए, हम भी अपनी तशरीफ रख ले लड़ाई में। अरे साले तुम्हें अपनी गांड घुसेड़नी है यहाँ पे, साले यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हम किसकी औलाद है, कोकोनट की कि सुअर की। साले अगर आप बोल दिए ना तुम बीच में, तो बेटा चद्दर में लपेट के चड्डी उतार के तब गांड फाड़ेंगे, बता दे रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हम किसके औलाद हैं और इनकी गांड में घुसी पड़ी है उंगली, चूतिया से चूतिया लोग भरे हैं यहाँ पे। हाँ भैया जी आप बताओ हम किसकी औलाद है। बेटा तू हमारी औलाद है, तुझे हमने पैदा किया है। मतलब भैया फिर आप हुए का सुअर हुए कि कोकोनट हुए? नहीं बेटा मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, मच्छर हूँ, सुअर हूँ, बकरी हूँ, ऊंट हूँ, गधा हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जो इस दुनिया में पैदा हो गया। सबसे बड़ा काम तो हमने कर दिया, इस दुनिया में गधे जैसा पैदा हो ले लिए, और खासकर तुम्हारी खोपड़ी वाले आदमी के साथ हम बैठ गए, हमारे पीछे तुम लग गए हो, हमारी गड़ गई है सटक, अब हमारा दिमाग गया है भनक। कई दे रहे हैं अगर आप बीच में बोल दिए या आप भनका दिए हमारा दिमाग, तो बेटा इतना मारेंगे ना कि क्या बताएं। अरे भैया मगर मारने से पहले ही बता दो यार, हम सुअर की औलाद है कि कोकोनट की औलाद है? ए भगवान हमें उठा ले यार, इस साले ने तो हमारी गांड खोल के रख दी है यार। अरे भैया आपकी गांड इस समय खुली है तो इससे पहले आप हगते कैसे थे? तुम्हारे मुंह से हगते थे, हगते कहां से थे साले चूते, अगर तेरी गांड न फाड़ के भेजी ना आज घर हमने तब बताते, तेरी ऐसी के तैसे बिल्कुल।